बॉडीगार्ड जैसी सुपर डुपर हिट फिल्म बनाने वाले साउथ के डायरेक्टर सिद्दीकी जल्द ही शुरू करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट फिल्म, जिसमें वो एक बार फिर लेना चाहते थे अपने फेवरेट सलमान खान को। लेकिन सोर्सेज की माने तो सलमान ने सिद्दीकी को इस फिल्म में आमिर खान को कास्ट करने का सजेशन दिया है। अकॉर्डिंग टू सलमान, इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में आमिर उनसे ज्यादा सूट करेंगे। फिल्म मेकर रमेश तुरानी की फिल्म रेस 2 से बाहर होकर लगता है दीपिका ने कई लोगों को कर दिया है नाराज। खबर है कि हाल में ही जब रोहित धवन की वेडिंग पार्टी में दीपिका का सामना हुआ अपने रेस 2 के एक्स को स्टार्स के साथ, तो सैफ अली खान और जॉनी अब्राहम ने उन्हें किया इग्नोर। खबर ये भी है कि सिंटा ने हाल में ही दीपिका और रमेश तुरानी के बीच सुलह करवाने के लिए मीटिंग भी रखी थी। कमल हसन अपने करीब 15 साल पुराने प्रोजेक्ट को एक बार फिर शुरू करने जा रहे हैं। मरुधन यगम नाम की इस फिल्म की शूटिंग 1997 में शुरू हुई थी और उस वक्त इस फिल्म का बजट था करीब 150 करोड़ रुपए। इस फिल्म में उनके सबसे बड़े राइवल रजनीकांत भी करेंगे एक इम्पोर्टेंट रोल।